तो हम उनकी खिदमत कर सके, हम उनको अच्छे तरीके से आप पर कामयाबी और कामरानी अल्लाह फरमा दीजिए, बात छोड़कर जवाब सारी फरमा दीजिए। हमारे किस्मा के प्रेसिडेंट साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, मी माय सेल्फ रबिया खान, शेफ एंड द सोशल वर्कर। तो आज हम लोग आए हुए हैं छीपा वेलफेयर ट्रस्ट में, जहाँ पे माशाल्लाह से करवाई जाती है तकरीबन 50,000 मील्स प्रेजेंट किए जाते हैं ट्वाइस इन अ डे। तो आज पाकिस्तान रेलवे विलायत्स की तरफ से हम लोगों ने पुनी को इन्वाइट किया हुआ है कि आज इफ्तारी भी होगी वी आई पी और इनको ईदी भी दी जाएगी। तो साथ साथ आपको शूट हम दिखाते रहेंगे कि छीपा वेलफेयर किस तरीके से काम करता है, और आप देख सकते हैं मैं साथ साथ में आपको सब कुछ दिखाती होगी कि किस तरीके से वीआईपी, ऐसा लग रहा है कोई शाही दावत है, और ये लोग बिल्कुल इज्जत नफ्स मजरूह ना करते हुए ये सब प्रेजेंट करते हैं लोगों को। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ इन लोगों से, बेसिकली मैं आज इन लोगों को इंकरेज करने आई हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। ये आलू के पकौड़े और हरी मिर्चों के पकौड़े, हर तरह की जो कि इफ्तारी की आर्टिकल डिमांडिंग होते हैं वो सब यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या रिक्वायर्ड होता है इफ्तारी पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स, पकौड़े, समोसे, बिरयानी, जर्दा, खीर, क्या कुछ यहाँ पर नहीं है। तो ज़रूर इन लोगों को प्रमोट करें, डोनेट करें, और नेकी के इस कदम में अपना कदम बढ़ाएं। ये देखें, ये बीफ बिरयानी की कोई सातवीं आरती देख जा रही है, और अंदर चलते हैं हम आपको दिखाते हुए साथ साथ ये किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस पैमाने पे ये लोग काम करते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, कितना हाइजेनिक तरीके से और कितना वास्ट एरिया में ये सारा काम हो रहा है। तो बीफ मेरे साथ साथ रहे, और ये आप देख सकते हैं कि छीपा के वॉलेट फेस के स्पेशल और जज्बे के साथ लगे हुए हैं। माशाल्लाह काफी नंबर ऑफ पीपल्स काफी ज्यादा है यहाँ पर, और हम आपको दिखाएंगे साथ साथ। मैं तो खुद लिटरली गाइस फर्स्ट टाइम ये सीन अपनी नेकेड आई से देख रही हूँ, और आप लोगों को दिखा के आपको बिल्कुल लकी है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आए और तरबूज का शरबत भी बनाया जा रहा है फ्रेश। ये
ना सिर्फ इफ्तारी करवाई जाती है, इफ्तार बॉक्सेस बांटे भी जाते हैं। आधे से ज्यादा यहाँ से जा चुके हैं और मजीद ये थोड़े से रह गए, मजीद वो दे भी चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर जो कि बाबू भाई के साथ भी नजर आते हैं। इनका खुद का अपना चैनल माशाल्लाह से बहुत ग्रो कर रहा है। तो उनसे पूछते हैं, साहब जी तुम जैसे भाई हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। और यहाँ आके तबीयत बहुत ज्यादा जबरदस्ती हो गई है क्योंकि आप देख सकते हो कि अफ्तार का मेला और हमारे पीछे एक या मौजिन या इमाम साहब खड़े हुए हैं। अफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं सरसरी तौर पर चीजें बता दूँ। आप ये मेरे भाई जरा ये दिखाना कि ये देखो कि दस्तरखान पे ये क्या लगा हुआ है। बिरयानी दो तरीके की लगी हुई है, सारे फल मौजूद है, जर्दा मिलेगा आपको, मतलब शाही सॉरी दर शाही 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 जो अफ्तारी होती है वो चीजें मौजूद है राबिया मैम यहाँ पे। ये हमारे घरों में भी नहीं मिलती। एग्जैक्टली। और इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर ये सब कुछ कोई भी आ जाए सरंजाम दी जा रही है। और 50,000 से भी अबव ट्वाइस इन अ डे फूड सर्व किया जाता है, यानी कि एक जो मील प्लेटर है सहर और अफ्तार दोनों करा जा रहा है। तो ये बेसिकली मेन शिका सेंटर है जो की हेड ऑफिस है FTC के पास वाकया है। अच्छा एक और मेन बात बता दूं, इन्होंने आज कुली हजरात को भी बुलाया जो के किसी बंदे ने नहीं बुलाया भाई आज तक, ना गवर्नमेंट लेवल पे ना किसी। इनको कोई क्यों नहीं पूछता, अल्लाह जाने ये हम में से हैं, हमारे जैसे इंसान है। तो भाई उनको कपड़े भी दिए जा रहे हैं, ईदी भी दी जा रही है और अब रोजे का टाइम शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह आपसे फर्दर ऑन बात करते हैं। गाँव की अमूल्य की घड़ी है, आपको इस माह रमजान की अदतों का वास्ता दान और दावों के द्वारा कबूल फरमा लीजिए। मौला करीम शिफा फाउंडेशन ने इन तमाम अहदावों के लिए अफ्तारी का अहतमाम किया और बिलखसूस आज हमारे कुली हजरात जीत लाए हुए हैं, इनके लिए खसूसी तौर पर शिफा फाउंडेशन ने रमजान के लिए अफ्तारी का अहतमाम किया है। या अल्लाह मौला करीम आप शिफा फाउंडेशन को इन लोगों ने राज में तरक्की नसीब फरमा दी। और या अल्लाह शिफा फाउंडेशन को कामयाबी कामरानी अता फरमा दीजिए। मौला करीम इतने भी लोग इन नेक कामों में शिफा फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ तआवुन करते हैं, उनके साथ मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। ऐ अल्लाह आप उन सब के इज्जत में बरकत अता फरमा दीजिए और उनके माल की जान की हिफाजत फरमा दीजिए और अल्लाह करीम उनके कारोबार में बरकत अता पर कामयाबी और कामरानी अता फरमा दीजिए। पाक फौज का जवान अफसरान की हिफाजत फरमा दीजिए। अफ्तार के वक्त हो चुका है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका फसब। अफ्तारी फरमा दीजिए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा। तो आपके ये चीज कैसे आया, क्योंकि भाई ये तो ऐसी समझ रहे हैं कि फुल प्रोटोकॉल मिला है, दीपा की गाड़ी आई है और उनको लेके गई है माशाल्लाह से। तो ये बहुत जबरदस्ती चीज आपने करी है माशाल्लाह। तो आप फर्दर ऑन और दस्तरखान भी आपका काफी वसी है, डेली बेसिस पे लगा रहे हैं और नो डाउट शाही है, शाही शाही दस्तरखान है जो कि हमारे घरों पर नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फजल व करम से मैं शिफा फाउंडेशन की मैनेजमेंट तो हम उनकी खिदमत कर सकें, हम उनको अच्छे तरीके से है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिस काम में मदद हो तो उसमें अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा देता है और अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं, आसानियां फरमाई हैं। और दूसरी बात जहाँ तक आपकी कि ये इन कुली भाइयों को बुलाना, तो मैं समझता हूँ कि देखें ये जो हमारे पाकिस्तान के कुली भाई हैं ये हमारे जहाँ माशरे के और दीगर तबकात हैं जो बेचारे महरूमी का शिकार हैं, जो बेचारे तकलीफ में और परेशानी के अंदर हैं, तो हमने ये कोशिश की है इस माह मुबारका में
कि हम ऐसे लोगों को मतलब है कि वो बुलाएं अपने पास जो बेचारे माशरे के महरूम तबके हैं, जो जिन्होंने माशरे में उनका वो इज्जत एहतराम जो वो ड्यू रिस्पेक्ट चाहते हैं जो करनी चाहिए लेकिन वो उनको नहीं मिल रही। तो मैंने आज अपने इन पाकिस्तान के कुली भाइयों को बुलाकर, क्योंकि ये बेचारे हमारे पाकिस्तान के जो कुली भाई है बहुत तकलीफ में है, महंगाई की वजह से बहुत तकलीफ में है। अभी आपने देखा हालिया सैलाब आया तो ये ट्रेनें बंद हो गई, तो उसकी वजह से ये बेचारे इनके घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे हो गए। अब आप इनसे पूछे, इनके दिल का हाल पूछे कि इन्होंने ये अपने घर के अपने बच्चों का पेट कैसा भरते, किस तरीके से भरते हैं, किस तकलीफ में, किस परेशानी में। तो मेरा आज इनको इज्जत और एहतराम के साथ पूरी के आज मैं छिपा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये तमाम पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें ये भी जो पाकिस्तान के कुली भाई हैं ये भी इज्जत चाहते हैं, ये भी माशरे में अपना बेहतरीन एहतराम चाहते हैं, ये भी माशरे में अपना एक बेहतरीन मकाम चाहते हैं। तो जहां जहां भी हो सकता है तो उनको एक अच्छा माशरे का शहरी के तौर पर इनको देखें। ये किसी चीज के भूखे नहीं, ये मेहनत करके खुद अपने बाजुओं के बल बूते के ऊपर अल्लाह अल्लाह के रसूल की मदद कहते थे, अपने अपने अपना जो गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन ये चाहते ये है कि माशरा जो है इनको इज्जत की निगाह से देखे, ये चाहते ही है कि माशरा इनको एहतराम से मतलब मुखातिब करे, ये चाहते हैं कि हमारा जो माशरा है इनको धुतकारे नहीं बल्कि इनको एक इंसान समझे, क्योंकि ये भी इंसान है, इनके दिलों में भी वही दिल धड़कता है जो हमारे दिलों में धड़कता है। एक को तोड़ने वाले हम सभी हैं। पहले एक आदमी कमाता था और 10 खाते थे, अब 10 खाते थे 10 ही रोते हैं, तो कोई इसके बारे में कोई बातचीत करता नहीं है। चीपा साहब ने मुझे दावत दी थी जाके मैं आके मिलूं से, और एक आदमी है उसका 30,000 रुपया किराया आया, माफिया पता नहीं क्या करते हैं कि किराए के लोग कैसे उसे होल्ड करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि वो क्या करे। अब बताएं कि आपके साथ में अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की महंगाई तोड़ सकते हैं, एक दूसरे का घर बना सकते हैं। वो बाहर दिया जा रहा है इस तरीके का बीप है, आपको क्यों बोलो? हमारे किस्मा के प्रेसिडेंट साहब इन्होंने ये बैठक सजाई है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान रेलवे लाइन के सबसे हार्ड वर्किंग लेबर तबका जो है उनके ये गिफ्ट्स हैं, उनके लिए तहाइफ का इंतज़ाम किया गया है, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। छिपा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से उनको कपड़ों की ये जोड़े दिए जाएंगे और ईदी भी दी जाएगी। बहुत ह्यूज लेवल पे काम हो रहा है, साथ साथ देखते रहे। पता नहीं आप इधर देंगे नहीं। तो
यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत वाइड एरिया पे ओवर क्राउडेड है, फुल जैम पैक जिसका प्लस है, और लोग रोजा खुलने वाला है, इंतजार कर रहे हैं, तो हम इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप ठीक है, कह रहे थे आप सेटिस्फाई है शाबाश है शिपा वाले को, अल्लाह शिपा वाले को खुश रखेगा। ये हमारे सिंध गवर्नमेंट वफाक गवर्नमेंट ये किधर है, ये गवर्नमेंट पैकेज भी नहीं देते हमारे से, जो मुसलमान मुल्क है हमारा पाकिस्तान, शाबाश ये शिपा शाह हर चीज देते हैं, गरीबों की जैसियां देते हैं, खर्चियां देते हैं, ये गवर्नमेंट हमारी नाकाम गई है। बाहर मुल्क से इसके माल मिलता है वो अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट को ये कहता हूँ शिपा वाले को ये देना है माल, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शिपा को खुश रखे। बहुत शुक्रिया, आप देख सकते हैं ये एक दुखी दिल की आवाज़ है, गवर्नमेंट को भी कोई कदम उठाना चाहिए। आज सिर्फ इफ्तारी करवाई जाती है, इफ्तार बॉक्सेस बांटे भी जाते हैं, आधे से ज्यादा यहाँ से जा चुके हैं और मजीद ये थोड़े से रह गए, मजीद वो दे भी चुके हैं। शिपा साहब इनामात तकसीम करते हुए आप पर कामयाबी और कामरानी अल्लाह फरमा दीजिए, पाक फौज का जवान सलाम की साफ फरमा दीजिए। अफ्तार के वक्त हो चुका है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़ सब, अफ्तारी फरमा दीजिए। तो हमारे साथ माशाल्लाह से मौजूद है यूट्यूब के सोशल मीडिया के स्टार, आप सब जानते हैं उनको, बाबर द ईट एंड डिस्कवर से। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे चैनल पे आज मेरे व्यूअर्स आपको देखेंगे, आपके बहुत सारे फैन मौजूद है, मेरी अपनी फैमिली में आपके बहुत सारे फैन मौजूद है, अपने फैंस के लिए कोई पैगाम? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पर आए, और बहुत अच्छा इवेंट था आज, बड़े दिनों के बाद हम लोग सारे यहाँ पे जमा हुए अफ्तारी की हम लोगों ने मिलकर साथ। ये शिपा ने जो स्टेप उठाया है जिसमें ये सब लोगों को, हजारों लोगों को अफ्तारी करा रहे हैं, तो उसी में क्योंकि हम लोग और जगहों पे लग्जरी जगहों पे तो अफ्तारी करते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे आके एक अफ्तारी करने का जो मजा आया है वो आप लोगों के साथ बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला आप लोगों को जजाय खैर दे और आपके चैनल को भी तरक्की दे, प्रमोट करे और मजीद जो है आप तरक्की पे सीढ़ियाँ चलती जाए। थैंक यू बाबर भाई कि आपने हमें इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आज इन्वाइट किया, लिटरली चाइल्डहुड से हमारी ये विश थी कि हम भी इस जगह पर आके देखेंगे किस तरह से काम होता है, और
और देखें ये जो इन्फ्लुएंसर है यहाँ पर बहुत सारे आए हैं, इनका ग्राउंडेड और हम्बल होने का ये सिम्बलाइज है कि पोश एरिया या किसी अच्छी जगह के बजाय आज यहाँ आके इस चीज को कवर कर रहे हैं। तो बाबा भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्लेटफॉर्म हमें देते ही रहिएगा, मजीद हमें अब क्या है तो अच्छा सा पैगाम दीजिए कि अब क्या रेजोल्यूशन क्या है। बहुत सारी चीजें हैं फ्यूचर में करने वाली, इंशाल्लाह आप लोगों को आगे अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को सरप्राइज मिलेंगी। अभी सारी चीजें हम नहीं अभी आप पे अभी खोलेंगे, तो इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ और इस तरह बेहतरीन जो आप काम कर रही है वो करते रहें और इनको जी सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके इनको अच्छा सपोर्ट आप करते हैं तो बंदे में हिम्मत आती है, वो और नई चीजें करता है और आगे बढ़ता है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आए मिल के बिरयानी खाएं। तो आओ मेरे नाल। तो हमारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसका रंग ग्रीन है और गुम्बद खजरा का जो रंग है वो भी ग्रीन है और दोनों चीज की सलामती का भी पैगाम दे रहा है। चले गाइस ये तो आज हमने एक इन्फॉर्मेशन गेन की है, सबके लिए खुला होता है, तमाम आवाम के लिए यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, चीफा साहब से मुलाकात करते हैं और अपनी परेशानियाँ बताते हैं। तो चीफा साहब यहाँ पे 12 बजे से मौजूद होते हैं डेली और रात 8 बजे इसी रूम में मौजूद होते हैं, फिर सेंटरों बाहर चले जाते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, लेकिन सुबह के आवाम का इतना लोग आते हैं कि 8 बजे वही लोगों से मुलाकात करते हैं तमाम आवाम से। और ये चीफा साहब की डेली रूटीन है? डेली की रूटीन है। ये अलम 1987 से काम कर रहे हैं, वो यूज रखा था चीफा साहब ने 1987। 3 मार्च 2023 को हिलाले इम्तियाज दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चीपा साहब को, और 2013 को जो सितारा इम्तियाज दिया गया था चीपा साहब को पाकिस्तान की तरफ से, इसके अलावा डॉक्टरेट की इजाफी डिग्री दी गई है कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से चीपा साहब को। माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो इनको पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने इनको नवाजा है इनकी खिदमात के पेशे। थैंक यू सो मच। तो गाइस देख सकते हैं ये चीपा साहब का ब्लू है हारिस साहब है इनके पर्सनल असिस्टेंट चीपा साहब, ब्रीफिंग दे रहे हैं बाबा भाई को और इनकी पूरी टीम को। ये आप देख सकते हैं कितना सादा सा रूम है, कि बस आपका ये यहाँ पर जो है मुलाकात होती है। देखा आप लोगों ने, मैंने आपको खाने का भी सारा रिव्यू करवाया है गाइस कि किस तरीके से चीपा वेलफेयर अपना खिदमत सर अंजाम दे रही है, जो सुना था आज वो देख भी लिया आंखों से, तो जरूर इसको सपोर्ट करें, अपनी अतियात खैरात और शक्ति जरूर इसमें चीपा में दीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी सारी डिटेल्स आपको पिन करूंगी, तो प्लीज आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट करो, जहाँ अच्छा काम हो रहा हो तो आप इसको जरूर प्रमोट किया करें, मैं भी प्रमोट करने आई हूँ और आपसे अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मिलकर सपोर्ट किया करें। तो इसी अच्छी बात के साथ आज वीडियो का एंड करते हैं, जरूर वीडियो को एंड तक देखा करें, सपोर्ट किया करें। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, बाय। शेफ रबिया, शेफ रबिया, शेफ।